तेरे को पता है पिंटू, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये गलियां अजनबी हो जाएंगी यार, ये हवा पराई हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। भाई ऐसे टाइम पे यार शायरी मत कर, तेरे हाथ जोड़ ले, यहाँ पहले से ही प्राण बहुत दुखी है, ऊपर से रिक्शा ना मिल रहा कोई। भाई मुझे लगता है जिंदगी के ना सबसे बड़ा जो बेवकूफी वाला काम किया ना, शरीफ होकर आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है। देखना भाई, नौकरी से तो निकाल दिया ना मुझे। अरे शरीफ होना गलत बात ना है भाई, ताव में आना गलत बात है। इलायची जी ने जरा सी तेरी चाबी भरी, तू आ गया ताव में, चढ़ बैठा अपने ही सेठ पे, हैं? ऐसे ऐसी बदतमीजी करता कोई? अरे यार तू समझ ही नहीं रहा, और तू इलायची जी के बारे में क्या बोल रहा है भाई, तुझे पता ही नहीं है इलायची जी बहुत सही है, पता है वो हमेशा हमारे को सपोर्ट करती है और हमेशा हमारा जज्बा बढ़ाती है। बस अब जज्बा ही बचा है, इसी से जिंदगी जीना, घर और नौकरी तो चले गए, ना बचा कुछ। ऊपर से मेरी सुनीता जी और मुझसे दूर हो गई। अबे तो तू ताने क्यों दे रहा है यार? अरे ताने यार, मेरे साथ भी तो यही हुआ ना। तेरे साथ कुछ ना हुआ भाई, मेरे यहाँ फर्स्ट किस होने ही वाली थी, मामला बिल्कुल तय हो गया था, अब तूने आके ये सब बवाल कर दिया। 1.5 साल में अभी तक तो हो नहीं पाई, अब क्या होती? अरे तो अब हो रही थी। रहने दे तू। सुनो यार, मैं जीजा जी के बिना नहीं रह पाऊंगी, मेरा इकलौता पति मुझे छोड़ के जा रहा है यार। तो यार तूने अंकल जी को बताया क्यों नहीं कि तेरी और जीजा जी की शादी हो चुकी है? कैसी बातें कर रही है? सुनो यार, अगर ऐसे मौके पे मैं पापा को बताती ना कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो हार्ट अटैक आ जाता यार पापा को। ऐसी सिचुएशन हो गई कि आगे कुआं पीछे खाई, कुछ भी करो कुछ भी बताओ, लेकिन जीजा जी को छोड़ के जाना ही पड़ता ना चांदनी चौक। इलू यार, तुझे समझना पड़ेगा कि अगर जीजा जी घर छोड़ के नहीं जाते ना, तो वो सीधा जेल पहुंच जाते। हाँ, उन्हें जेल ही हो जानी चाहिए थी, कम से कम मैं रोज देख तो पाती, मेरे पिंकी अंकल का थाना है ही कितनी सी दूर। पागल पागल होगी, क्या बात कर रही है इलू? इलू इतनी ज्यादा सेल्फिश होने वाली, सेल्फी। तो क्या करूं यार, एक एक पल इतना भारी लग रहा, नहीं कट रहा है वक्त मुझसे उनके बिना। अरे तू नहीं जानती, गाय जैसा पति मिलना ना बहुत बहुत लक की बात होती है यार, तुझे कुछ नहीं पता है। पर जो तेरी गाय है ना, उसका चारा फिलहाल ना अंकल जी ने बंद कर रखा है, तो बता क्या करना है? मैं अपनी गाय अपने पति के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। इलो यार, मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, मैंने ना हमेशा तुझे लोगों को रुलाते देखा है, खुद रोते नहीं, हिम्मत मत हारी लू प्लीज यार। तो क्या करूं यार, इतनी बेकार किस्मत, बताओ सवारी तक ना मिल रही। सवारी रिक्शा वाले भैया। अबे क्या कर रहा है? आजा, आजा। अभी तबला मेरे मुंह पे लगता। अरे भैया मुंह पीछे रख ले यार तू। चलो भैया, चलो भैया बस अड्डे चलना है, जरा छोड़ दो भैया। अबे तेरी इसे की तो तेरी ये साले हटो। अबे ना ना, हम निपटे से ये बता। अरे भाभी जी गई बाहर में, चल ही चले आ रहे। अबे जब रिक्शा चला नहीं पाता तो जाके गाँव में बैलगाड़ी चलाने का मौका दो, सब कुछ चला लूंगा मैं। मौका क्या, मैं तुझे लाइसेंस बना के दूं तुझे? अरे बहन जी क्यों मार रहे हो यार? क्यों मार रहे, ऊपर चढ़ा दिया, देखना शर्म ना आती? अरे शर्म क्यों आएगी, हम तो पहले से बेशरम है। यार अभी फिलहाल ये पकड़, आंसू पोंछ रोना बंद कर अपना। तू सही कह रही है, मैं क्यों रो रही हूँ? अरे मुझे थोड़ी ना हिम्मत आनी चाहिए, बल्कि मुझे तो अपने सुहाग को रोकना चाहिए, उसे दूर नहीं जाने देना चाहिए। मैं जीजा जी को रोकूंगी। हाँ मैं नहीं रोऊंगी। हाँ मैं रोकने जा रही हूँ जीजा जी। हट, अरे हट जा। घोड़े की तरह भागी जा रही है, कुछ समझ में ही ना रहा मेरे, पता ना क्या चल रहा है यहाँ पे। अरे रुक सुन, ये काम भागे जा रहा हो तुम लोग, घर को अस्तबल बना रखा है तुम लोगों ने। अंकल जी घर को अस्तबल बनाने वाली सेल्फी। अरे रुक तो एक मिनट, अरे काम भागे जा रहा हो तुम लोग एकदम, क्या चल रहा है इस घर में? फालतू बातें कर रहा, भट्टा जैसी आंखें दिखा रहा, तो पास नहीं कर। अरे यार एक तो चली आ रही इलायची जी की आवाज कानों में गूंज रही है, चल यहां से। परेशान होने की जरूरत ना है, वो आ गई है।
आप आ गई। इलायची जी। जीजा जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किला छोड़ के जाने की? हाँ इलायची जी, हम दुनिया छोड़ के जा सकते हैं पर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ के जा सकते। पंचो जी मुझे छोड़ के जाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनीता जी अब तो ऐसा लग रहा ना कि काश मैं ना आपकी सौतेली माँ ही बन जाऊं, कम से कम आपके पास तो रहूंगा। बिल्कुल नहीं पंचो जी, मैं आपको माँ बनने नहीं दे सकती। लाइसी जी अच्छा हुआ आप आ गए, देखिए ना हमारा कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। प्लग निकल गया पर करंट अभी भी बह रहा है। वो तो बहेगा ही ना, क्योंकि अभी भी मैं आपकी बीवी हूँ और मैं कोई पत्नी धर्म नहीं भूली हूँ और नहीं आपको भूलने दूंगी। लाइसी जी आप बहुत प्यारी हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जाते जाते भी आपकी डांट खाते हुए जा रहे हैं। कोई जा नहीं रहा है क्योंकि मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। जीजा जी यार कैसे सोच लिया आपने? देखो ये ना अभी आपके पग फेरे थे और आपको मैं ले जाने आई हूँ आपके ससुराल। इलायची जी ऐसे ससुराल में जाके क्या फायदा है जहाँ पे ससुर जो है डंडे को तेल पिला रहा है और अपने दामाद का इंतजार कर रहा है। जीजा जी मैं नहीं जानती हूँ और ये भी नहीं जानती हूँ कि माँ के क्या करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। इलायची जी अगर रास्ता ना मिला तो फिर तो ठोकरे खाएंगे ना। डोंट वरी पिंटू जी, एक काम करते हैं सब लोग चाट खाने चलते और वहां पे कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। हाँ ठीक है खाएंगे और फिर सोचेंगे। चलो। अरे मुरली पानी पूरी वाला वही मुरली। अरे मुरली अरे मुझे पहचाना? मैं बचपन में चाट खाने आया करता था। हाँ 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 पिताजी ने बताया था। हाँ चाट खाने आते थे और बिना पैसे दिए ही भाग जाते थे। ये लो। अरे भैया क्या कर रहे हो, चटनी डालो ना, घर ले जाकर क्या करोगे? भैया दो प्लेट बनाओ जल्दी से। देखिए इलायची जी हमने सोच लिया, हम छोड़ चुके हैं, आप भी छोड़ दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? एक औरत अपना पति छोड़ सकती लेकिन चाट खाना कभी नहीं छोड़ सकती, प्लीज। हाँ जीजा जी मेरी दोस्त है दोस्त इलायची। हाँ रुक जा रुक जा। इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं यार आप, हम चाट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये गलत फहमी पालना बंद करिए कि सेठ जी हमें माफ कर देंगे और दोबारा हमें काम पे रख लेंगे। जीजा जी प्लीज चाट खाने दो ना, उसके बाद रास्ता निकल जाएगा कोई ना कोई। एक रास्ता मैं आपके लिए निकाल सकता हूँ। तू है? हाय कृष्णा यार। इलायची फर्स्ट क्लास। अरे मेरे बचपन की दोस्त है इलायची, चांदनी चौक में ना मैं सबको नचाया करता था और ये मुझे नचाती थी। नहीं यार कृष्णा मन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना रो रो के पागल हो रही थी। मैं एक बात बताऊं इलायची, जिंदगी जब ज्यादा रुलाए ना तो उसे उल्टा गुदगुदी करनी चाहिए, इससे आपको भी हंसी आती है और लोगों को भी हंसी आती है, समझी? नहीं समझी? लगता है इसको अपने स्टाइल में समझाना पड़ेगा। देखो मुंबई में मेरा कुछ हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या सोचा क्यों ना मैं अपना गेटअप ही चेंज कर दूं, मतलब लड़के से लड़की बन जाऊं। पहले ना जिंदगी में शहनाई बजती थी शहनाई, अब गिटार बजता है गिटार, वो भी मस्त वाला, बड़ा मजा आता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ कृष्णा यस मिल गया आइडिया, क्या कमाल का आदमी है तू, समझे कुछ जीजा जी मतलब। ओह गॉड कृष्णा यार एकदम तेरी। हाँ जीजा जी रेडी? अरे करा ले भाई, मैंने तो बहुत झेला है। पिंटू जी जीजा जी की न्यू लुक वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो।
निकोल्स ठीक है? मस्त, परफेक्ट। हेलो, हाँ ना इलायची अब तक ना आई, पता नहीं कहाँ रह गई। सर करू, इतनी रात हो गई, इलायची क्यों ना आई अब तक? कुड़ी पटाका, ओए कुड़ी पटाका, इलायची के पापा, कहीं तुमने कुछ कहा तो ना ना? अरे मुझे कहने का मौका ही कहाँ दिया उसने, एकदम जो है तेज ट्रक की तरह निकली और मुझे ऑटो रिक्शा समझ कर मुझे ऐसा टक्कर मार के निकल गई। असल खसोटे, कुछ पता लगा इलायची का? ना सेठ जी, पूरा ओना कोना छान मारा कूलर खा के, कहीं ना मिली इलायची। मेरी बच्ची बेचारी कहाँ रह गई होगी, पता नहीं कैसी होगी। इलायची के पापा, अब पिंकी दरोगा को फोन लगाए क्या? पता नहीं किसी गुंडे मवाली के हाथ लग गई होगी तो। सुन, अगर किसी गुंडे मवाली के हाथ लगी होगी ना तो गुंडे मवाली पुलिस को फोन करेंगे, कह रहे कौन सी लड़की उनके हाथ लग गई है, नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने, इसलिए मुझे उस बात की चिंता ना है। मुरारी पंसल का कर आ ही है गया। इलायची, अरे कोई चोर रहा है, तू घर में अपने? ओह माय गॉड, क्या हो गया इलायची, तू बेहोश कैसे हो गई? मम्मी वो मैं ना नई सड़क पे किताबें लेने गई थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ गुंडे ना मेरी तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं और वो ना मेरे गले की चेन खींचने की कोशिश कर रहे थे। हाँ मैं इतना डर गई थी, लेकिन तब मैंने देखा भगवान के भेजे ये दो दूत। कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं ये दोनों, लेकिन समझ ना आ रहा है। हेलो, राधे राधे सेठ जी। देखिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग हैं कौन? इससे पहले तो मैंने आपको कभी चांदनी चौक में ना देखा। अरे देखते कैसे, अभी अभी तैयार हुए हैं? मैं बताती हूँ, दरअसल क्या है कि मेरा भाई ये कहना चाह रहा है कि हम ना चांदनी चौक में आने के लिए तैयार नहीं थे,
वो क्या है ना कि हम लोग आगरा से हैं ना, और हमें बाद में पता चला कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है ना, तो हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम संजना कोहली है और ये मेरा भाई है संजीव। अच्छा देखिए सर जी, हम आगरे से आए हैं नौकरी की तलाश में। क्या कि आगरे वाली नौकरी हमने छोड़ दी, अब यहाँ ढंग की कोई नौकरी मिल ना रही है। तो आपने वो काम पहले वाला छोड़ा क्यों? मैं बताती हूँ, दरअसल क्या है ना, आगरा में मेरा भाई जो है ना एक लहंगे की दुकान में ही काम करता था, और जो उनकी कुड़ी थी ना वो मेरे प्राणों ज्यादा ही पसंद करने लग गई थी और बहुत ज्यादा ना प्यार व्यार में पड़ गई थी, तो मेरे भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो क्या है ना कि जो सेठ जी होते हैं ना वो बिल्कुल भगवान होते हैं, और भगवान जैसे सेठ जी की बेटी के नाल ऐसे मतलब प्यार व्यार करना बिल्कुल सही बात नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम यकीन नहीं करोगे, जो वहाँ सेठ जी थे ना वो तो मेरे प्रा दे नाल अपनी कुड़ी की शादी कराना चाहते सी, पर वो क्या है ना कि मेरे भाई को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उनके असूलों के खिलाफ है ना, तो उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और तब से ना हम लोग डर डर के ठोकरे खा रहे हैं। आप दोनों भाई बहन है? नहीं नहीं, अब पता दादा पोती है गए। नाइस जोक्स। ना मैं मतलब मैं तो इसलिए पूछ रहा था, तुम जो है पंजाबी बोल रही हो और तुम्हारा भाई ब्रिज भाषा बोल रहा है, ये बात कुछ मेरे समझ में ना आई। वो मैं बताती हूँ, वो दरअसल क्या है ना कि हम लोग एकदम हिंदुस्तानी है, प्योर इंडियन ब्रीड है, और वो दरअसल क्या है ना कि मेरे जो पापा थे ना वो पंजाबी थे और जो मेरी मम्मी है ना वो मथुरा से ही, तो मैं तो अपने पापा के पास से ही हूँ और ये जो है ना मम्मी के पास रहते थे, तो इस कारण ये ऐसे हैं और मैं ऐसी हूँ। सुन संजू। बोल संजू। चल जल्दी स्टेशन चलते हैं, नहीं तो वो अपनी बेंच जिस पे हम लोग लेटते हैं कुत्ता लेट जाएगा उस पे। नहीं मैं नहीं जाना, मैंने कुत्ते के नाल नहीं सोना है गया। राधे राधे सेठ जी। राधे राधे। चंगा। अच्छा। एक मिनट। पापा। हाँ। जा रहे हैं यार, रुको ये नाम में नाम नहीं दोगे क्या? अरे हाँ हाँ, संजना बेटा। जी। और संजीव। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को नौकरी की तलाश है और मुझे नौकरी करने वाले की तलाश है, तो मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ नौकरी कर लो और यहाँ रुक जाओ। नहीं नहीं सर जी, देखिए हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारा जमीर गरीब नहीं है, ये तो आप अपनी बेटी की जान बचाने की कीमत दे रहे हो ना, हम ये बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये नौकरी हम नहीं कर सकते। तो नौकरी ना करनी है तो मत करो भैया, रहने दो। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੱਤੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਠ ਜੀ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੂ, ਜਬ ਸਭ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ ਨੌਕਰੀ। ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ ਸੇ ਤੁਮ ਲੋਗ ਯਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ, ਗਿੱਧਾ ਪਾਵਾ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਲੱਭ ਗਈ, ਲੱਭ ਗਈ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਓਹ ਆਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ। ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਡੈਟ ਸੋਡਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਡੈਟ ਸੋਡਾ? ਹਾਂ ਡੈਟ ਸੋਡਾ। ਪਾਪਾ ਡਾਇਟ ਸੋਡਾ? डाइट? अच्छा नहीं भाई भैया, देखो ऐसा मैं कोई डाइट वाइट ना करता हूँ। संजना बेटा, कोई भी चीज की जरूरत हो ना तो इलायची से कह देना, ये तो तुम्हारी छोटी बहन की तरह है। नहीं मेरी बहन ही है गिया। वो मेरे कहने का मतलब ये है ना, मैं नहीं हूँ ना यहाँ पे और मेरी कोई सहेली नहीं। इलायची तुम मेरी सहेली बनेगी? जी। चलो फिर चलते हैं अपने कमरे में। चंगा। एक मिनट,
तुम लोगों को कैसे मालूम कि तुम्हारा कमरा ऊपर है?